वेलकम बैक टू रसीला की रसोई। रसीला की रसोई में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नाश्ते में बना के लाई हूँ गर्मा गर्म आलू पोहा की रेसिपी। वीडियो शुरू होने से पहले रसीला की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी अगली रेसिपी वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आलू पोहा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पोहा लिया है, उसको मैंने छन्नी की मदद से छान लिया है और उसमें से सारा डस्ट को मैंने हटा लिया है। मार्केट में तीन तरह का पोहा आता है, उसमें जो पतला पोहा आता है उससे हम चेवड़ा बनाते हैं और जो मीडियम साइज के पोहा आते हैं उसे हम आलू पोहा बनाते हैं, वैसा वाला ही मैंने पोहा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और अच्छे से वॉश करेंगे। सारा पानी हम निकाल देंगे। और वापस एक बार हम डालेंगे पानी और अच्छे से वॉश करेंगे। हमें पोहा को भिगो के नहीं रखना है, वॉश करके सारा पानी निकाल देंगे। बस हमें इस तरह से ही भिगोना है। अब उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और चीनी मिलाएंगे 2 टेबलस्पून और अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड पे रख देंगे। अब आलू पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है आलू 2 मीडियम साइज का काट लिया है और 1 टमाटर को भी मैंने काट लिया है और मैंने कड़ी पत्ता लिया है थोड़ा सा, हरी मिर्च 2-3 लिया है उसको भी मैंने काट लिया है और मैंने सिंग दाना लिया है 1/4 कप और 1.5 नींबू लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। अब उसमें डालेंगे पीनट। पीनट को हल्का ब्राउन होने तक हम चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अब हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। अब थोड़ा ऑयल ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा ऑयल हम बाहर निकाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सरसों का बीज। अब डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब उसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब उसमें डालेंगे करी लीव्स। अब उसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और अच्छे से हिलाएंगे। अब उसमें हम डालेंगे आलू और अच्छे से मिक्स करके हिलाएंगे। ढक्कन लगा के कवर कर लेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए, क्योंकि आलू हमने बॉईल करके नहीं लिया है इसीलिए पकने में टाइम लगता है। यहाँ बॉईल किया हुआ आलू भी ले सकते हैं। आलू पक रहा है तब तक हमने चीनी डाल के पोहा जो रखा था उसको चम्मच घुमा के मिक्स कर देंगे। चम्मच अच्छे से घुमा लेंगे ताकि चीनी और नमक मिक्स हो जाए। अब इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा इसमें डालेंगे हम पानी ताकि आलू अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैंने यहाँ ऑयल का कम इस्तेमाल किया है इसीलिए पानी की जरूरत पड़ेगी। अब भी थोड़ा आलू कच्चा लग रहा है तो ढक्कन
लगा के कवर कर लेंगे और पकाएंगे। अब हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। अब आलू अच्छे से पक चुका है तो हम ऐड कर देंगे सिंग दाना जो मैंने फ्राई करके रखा था। अब हम मिलाएंगे पोहा और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू पोहा को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें कवर कर लेंगे, 1 मिनट स्लो आंच पे रखेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे नींबू का रस और अच्छे से हिलाएंगे। ढक्कन लगा के थोड़ी देर कवर कर लेंगे ताकि अंदर से एकदम स्टीम हो जाए और खिले खिले पोहा बन के एकदम रेडी हो जाए। खिले खिले पोहा बन के एकदम रेडी हो चुका है तो सर्विंग बाउल में निकाल के हम सर्व करेंगे। आप इसे सुबह में बनाइए या शाम को हल्की फुल्की भूख लगी है तब भी बना के आप खा सकते हो। मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।